सो मैं रिसेंटली गया था इको पार्क, जहाँ पे मेरे को स्ट्रेंजली काफी सारी इंस्पिरेशनल प्लस में इंटरेस्टिंग चीजें दिखी, जिसमें से एक ये मरी मछली है। मैनमेड नेचर का अभाव प्रभाव देखते देखते मेरे को एक काफी इंटरेस्टिंग जगह दिखा, जापानीज फॉरेस्ट, जहाँ से मेरे को काफी अलग अलग इंस्पिरेशन आ रहे हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अपकमिंग एक्वास्केपिंग प्रोजेक्ट्स में ये सब इंस्पिरेशन का मैं कैसे और क्या तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। नहीं तो वैसे तो देख के लग ही रहा है थोड़ा बहुत जापान घूम ही लिया मैं। ओके बाय।